हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम हमारी कक्षा 6 की इकाई नंबर 7, जिसका नाम है यह भी एक परीक्षा और जिसके लेखक है सुरेंद्र अंजल। तो यह एक एकांकी है जिसमें जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। इसके आधार पर एक बच्चे की बात की गई है। मानवता बड़ी मूल्यवान चीज़ है, यही इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य है। तो यह एक छोटा सा नाटक है। आप देख सकते हैं, इसके प्रथम दृश्य में एक बाजार का दृश्य है। एक राहगीर है, एक बच्चा है जो अपने हाथ में बूट पॉलिश का सामान लिए हुए, पीछे एक बच्चा जो अखबार बेच रहा है, सामने से एक बच्चा आ रहा है जो चाय बेच रहा है। तो इस तरह यह एक बाजार का दृश्य है और आगे क्या होता है यह हम इस एक नाटक के एक तो आगे क्या होता है वो देखने के लिए हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप अच्छी तरह से उसे समझ पाएंगे। तो चलो देखते हैं वीडियो। बूट पॉलिश बाबूजी, जूते चमका दूं, शानदार कर दूंगा। नहीं रे परे हट, आईना बना दूंगा जूतों का, अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपए। अरे हट, चौंकी की तरह चिपक जाता है, भाग। दूसरी ओर से एक हाकर अखबारों का बंडल लिए आता है। आज की ताजा खबर, भूकंप से गिरे मकानों का नव निर्माण, छात्राओं की फीस माफ, स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा, आज की ताजा खबरें। कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं। दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता है, एक हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे हैं, एक हाथ में केतली। चाय गरम, चाय गरम, चाय। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकरा जाता है, बाल्टी छिटक कर गिरती है, 2-3 कप बिखर जाते हैं। अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। चल चल फूट यहाँ से, पेट खराब कर दिया और ऊपर से रोप जमा रहा है। दोनों लड़ते झगड़ते जाते हैं। दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे आता है, कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े, रेजगारी आदि है। बाबूजी भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लूट गया, भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे हट, इधर तो स्कूल की देर हो रही है और यह सामने आ रहा है। यहाँ तो पिक्चर के टिकट में भी 8 निकम है, तू देगा? बेटा मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ, सबको देने वाला तो वह नीली छतरी वाला है। एक बालक साइकिल पर आकर बूढ़े से टकरा जाता है, बूढ़ा गिर पड़ता है, लकड़ी और कटोरा दूर जा गिरता है। हाय रे, मेरी टांग टूट गई रे, अब क्या करूं रे। अंधा है क्या, सामने आ गया, इन भिखारियों ने नाक में दम कर रखा है, स्कूल की देर करवा देगा, परीक्षा का पहला दिन है। हाय भगवान, मेरी टांग टूट गई रे, अरे कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मानुस मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे। ए लाला, ए बाबू, मुझे सड़क के एक तरफ ले चलो रे। एक विद्यार्थी आता है। अरे क्या हो गया बूढ़े बाबा? अरे रे रे, चोट ज्यादा लगी है। लो बाबा, यह रहा तुम्हारा कटोरा, इसमें 7 रुपये है। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे, मेरे राजा बाबू को। मुझ अंधे की लकड़ी कहाँ है बेटे,
मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा। लो यह रही लकड़ी। अरे पहले घंटी लग गई, आज परीक्षा का पहला ही दिन है, किंतु खैर बाबा उठो, तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दूं। अरे तुम्हारे पांव में तो गहरी चोट है, खून बह रहा है। उधर परीक्षा का समय, इधर ये अंधा बाबा, क्या करूं। अंतरात्मा में आवाज गूंजती है, इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है, इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं। विद्यार्थी सहारा देकर ले जाता है। सर परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है। क्या देवेंद्र, क्या बात हुई? वह तो मेधावी छात्र है। अरे भाई किसी को स्कूटर लेकर भेजो, लेकिन ठहरो मेरे पास फोन नंबर है, पहले पता कर लेता हूँ। हेलो हेलो हेलो, हाँ मैं प्रधानाध्यापक बोल रहा हूँ। अरे भाई देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है, आज पहला दिन है, वह आया क्यों नहीं अभी तक? हैं? घर से निकले घंटा भर हो गया। हाँ परीक्षा शुरू हुए 10 मिनट से ज्यादा हो गए हैं। पता लगाओ भाई, वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वालों में से है, उसे घर से निकले बहुत समय हो गया है, आ जाना चाहिए। देखिए वह आ जाए तो मेरे पास भेजना। वैसे उसके साथ वाले लड़के से मालूम करो कहीं एक्सीडेंट वैक्सीडेंट तो नहीं हो गया। अध्यापक का जाना, कुछ ही देर बाद देवेंद्र का हांफते हुए आना। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान? अरे देवेंद्र इतने लेट, कहाँ थे अब तक? अस्पताल सर। अस्पताल? परीक्षा क्या वहाँ हो रही थी? और ये पैंट पर खून के धब्बे, कहीं गिर पड़े थे क्या? जी नहीं, एक अंधे बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी, उसकी टांग ज्यादा जख्मी हो गई, वह एक सड़क के बीचों बीच पड़ा करा रहा था, उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, इसलिए अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ सर। शाबाश, यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है, तुमने अपना कर्तव्य निभाया। इंसान की जिंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है। जाओ परीक्षा में बैठो, कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है। हेलो सेन साहब। हाँ देवेंद्र आ गया, रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था, उसे अस्पताल भर्ती करवा कर आया है। अरे भाई इस परीक्षा में तो पास होगा ही, किंतु इससे भी बड़ी इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया है। ऐसे होनहार सपूत के पिता है आप, बधाई।